हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टेस्टी फूड में। आज मैं शादी स्पेशल खिला खिला जर्दा बना रही हूँ, जिसका मैं आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे आपके चावल सॉफ्ट रहेंगे, अकड़ेंगे नहीं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने ये 300 ग्राम गोल्डन सेला चावल लिए हैं। जर्दा बनाने के लिए मैंने एक भगोना चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने इसका आधा भगोने का आधा मैंने पानी डाला है, जो अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच देसी घी डालूंगी, के साथ ही मैं इसमें एक पिंच ऑरेंज रेड कलर डालूंगी। पानी देखिए हमारा अच्छी तरीके से बॉईल हो गया। इसमें मैं ये चार छोटी इलायची डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। इसके साथ ही ये मैंने 300 ग्राम चावल जो लिए थे, गोल्डन सेला चावल, इनको वॉश कर लिया है 4 से 5 बार अच्छी तरीके से। हमें चावलों को इसमें डाल देंगी, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चावलों को गलाना नहीं है, आपको 70% तक चावल पकाना है। हल्का थोड़ा हमें कच्चा चावल चाहिए, फिर हम चावलों को स्टेनर में स्टेन कर लेंगे, उसको पसा लेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। हमने देखिए सारे चावल इसमें डाल दिए हैं, और चावलों को 10 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है, और इसको 70% तक गलाना है, और बीच बीच में ज़्यादा इसे चलाना नहीं है, वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। अब देखिए हम अपने चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल देखिए हमारे 70% पक गए हैं। हमें थोड़ा सा चावलों को कच्चा ही रखना है, और अब हम चावल को पसा लेंगे। चावल को हम किसी स्टेनर की हेल्प से चावलों को पसा लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे, इसके साथ ही हम इसमें ये जर्दे के चावल डाल देंगे। सारे चावलों को हम इसमें डाल देंगे, इसके साथ ही हम इसमें 100 ग्राम चीनी डालेंगे। मैं इस कप से 2 कप चीनी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को हल्के आंच पे कर दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चीनी हमारी जो पानी छोड़ेगी, उसी से हमारे जो थोड़े से चावल कच्चे रह गए हैं, वो अपने आप गल जाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ये 7-8 इलायची का पाउडर डालूँगी, के साथ ही मैं इसमें ये कुछ बादाम डाल रही हूँ। ये 8 से 10 कटे हुए बादाम हैं, 12 से 15 काजू, और थोड़ी सी चिरौंजी डाल रही हूँ इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी चावलों में। देखिए चावल से चीनी हमारी पिघल रही है, और ये जो पानी है इसी में ही हमारे चावल अच्छे से गल जाएंगे। इसके साथ ही इसमें मैं ये कुछ किशमिश डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें ये कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल रही हूँ, इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और गैस की फ्लेम धीमी है, और अब मैं इसे ढक दूँगी, और 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी। फिर हमारा जर्दा रेडी है, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। अब देखिए हमारा जर्दा बन गया है, और हमने इसको देखिए प्लेट में सर्व कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया जर्दा बना है। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।